किसान भाई, आज हम लोग बात करेंगे अमरूद का पौधा का प्रवर्धन कैसे करना है। तो अमरूद का पौधा हम बहुत आसान तरीका से गुट्टी विधि से तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी का समय जो है जुलाई चल रहा है, तो इस माह में हम लोग इसका प्रवर्धन कार्य जो है वो कर सकते हैं। अगर आप गुट्टी विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो फसल की उन्नत किस्मों का चुनाव करें जिससे अधिक पैदावार मिल सके, ताकि बाजार में पौध का अच्छा बाजार भाव मिले। किसानों में जिन प्रजातियों के पौधों की मांग अधिक हो उसी पौध को तैयार करना उचित रहता है। जिन पौधों की नर्सरी गुटी विधि से तैयार होती है उनकी कुछ उन्नत किस्मों के पुराने पौधे पहले से तैयार होने चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो है अमरूद का पौधा जो मातृ पौधा होगा उसका हम बहुत अच्छे से चयन करते हैं। तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट देखते हैं कि जो स्वस्थ पौधा हो, जिसका टहनी अच्छा हो, जो बीमार नहीं है, तो ऐसा पौधा को हम सिलेक्ट चयन करते हैं। और उसके बाद हम टहनी चयन करते हैं कि कौन सा टहनी में हम लोग को गुटी बांधना है। तो किसान भाई, मैं बताना चाहूँगी कि जो टहनी है वो एक साल पुराना होना चाहिए और उसका जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या कर करते हैं कि जो दो गांठ है, गांठ हम अब लोग जानते हैं, तो जो दो गांठ है, दो गांठ के बीच में क्या करते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाते हैं और उसका जो छिलका बोलते हैं उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद सफ़ेद रंग का कैम्बियम बोलते हैं हम साइंटिफिकली, इसको वैज्ञानिक नाम से जानते हैं, वो निकल के आता है। तो हम क्या करते हैं उसके बाद उसको अच्छे से छील के हम उसमें जो मिट्टी मिक्सचर है वो लगाते हैं। देखिए, मार्केट में स्फैग्नम मॉस बोल करके एक मीडिया आता है, उसको बस पानी में हल्का भिगा के भी हम तैयार कर सकते हैं इसका मिक्सचर। और या फिर अगर हम लोग को बनाना है तो उसमें हम तैयार कर सकते हैं 60% कोकोपीट और 30% जो मिट्टी है दुमर बालुई दुमट मिट्टी, और 10% क्या है कोई भी वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे जो केचुआ की खाद है, या फिर सड़ा हुआ गोबर का खाद भी हम ले सकते हैं। तो ये तीनों को बड़ा अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला करके ऐसे हाथ में बॉल शेप में बना लेंगे। और जो मिक्सचर हम यूज़ करते हैं वो मिक्सचर बहुत ही नरम होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें जड़ आसानी से बन पाए और हल्का सा नमी भी उसमें होना चाहिए। और जब हम पूरा उसको मिक्सचर को वहाँ पे लगाने के बाद जब पॉलीथीन शीट उसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छे से टाइट बांधना है, इसलिए ताकि बाहर का बारिश का पानी या फिर कोई भी पानी उसके अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर जाने के बाद क्या होगा वो सड़ जाएगा, उसमें जड़ नहीं बनेगा। तो हम टहनी चयन कर लिए, उसके बाद दो गांठ के बीच में हम लोग चीरा भी लगा दिए 3 सेंटीमीटर लंबा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो है मिट्टी का जो मिश्रण हम तैयार किए हैं बॉल के शेप पे बनाए हैं, वो उसको हम बिल्कुल ऐसे तरह, अगर आप देख सकते हैं तो दिखा दूंगी, ऐसे तरह इसको बांध लगा देंगे। उसके बाद क्या है, हमारे पास सुतली होगा, सुतली से उसका दो भाग जो है, दो गांठ जो है अच्छा से बांध देंगे। उसके बाद जो अमरूद में 30 से 40 दिन लगता है इसमें जड़ आने के लिए। किसान भाइयों, वृक्षों में नए पौधे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, जिस शाखा से नए पौधे तैयार करने होते हैं उसकी मोटाई पेंसिल जितनी होनी चाहिए। शाखा के छाल तेज धार वाले चाकू से छीलनी चाहिए। शाखा के कटे हुए भाग पर रूटेस यानी NAA का लेप अवश्य लगाएं। शाखा के कटे भाग पर मिट्टी को लगाकर पॉलीथीन से जरूर बांध दें। जब पॉलीथीन में जड़ें दिखने लगें तब शाखा को पुराने यानी मातृ वृक्ष से सावधानी पूर्वक काट लें, उसके बाद इसे पौधशाला में लगाएं। तो 30 से 40 दिन बाद उसमें सफ़ेद रंग का जड़ दिखाई देगा। जैसे ही बहुत अच्छा से जड़ दिखाई देगा उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में उसका पन्नी खोल के उसके बाद उसको मिट्टी में अच्छा से और भी थोड़ा सा मिट्टी डाल के, या फिर आप पॉट में भी लगा सकते हैं या फिर आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और दूसरी सावधानी ये अवलंबन करना है कि जब हम कट करेंगे, कट करने के बाद ही उसमें पॉलीथीन का शीट निकालना है, उसके पहले नहीं। और तीसरी ये सावधानी है कि जो नाइफ से, जो चाकू से हम कट करेंगे, वो चाकू बिल्कुल एकदम बीमारी मुक्त होना चाहिए, इसलिए उसको पहले कोई भी अल्कोहल या फिर कोई डिसइंफेक्टेंट से
उसको बहुत अच्छे से उसको थोड़ा सा वॉश करके उसके बाद ही उसमें चीरा लगाएंगे, इसलिए ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो।